बिल्कुल समझ आ गया होगा, बर्फ पड़ना और आग, ये आग बरसना जो 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, समझ आ गया होगा। और ये जो है बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये अगेन डिप्रेशन का छोटा वाइवन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और ये हमारा ऑफिशियल चैनल है अवर ब्रेन अवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आपको पता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? कोई बात नहीं, हम उसको और करेक्ट कर देंगे, और नहीं पता तो बता देंगे, और ऐसे 5 पॉइंट भी बताएंगे जो आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे में वो बाइपोलर डिसऑर्डर है या नहीं है। तो हम शुरू करते हैं इस जर्नी को, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे वीडियो शेयर करते रहें और आप उससे एजुकेट होते रहें। और ये पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, हमारे सारे ही वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। कोई भी इशू हो तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट विद ए प्रोफेशनल पर्सन। तो बाइपोलर क्या होता है? पृथ्वी है ना, ऐसा बोलते हैं, पृथ्वी के दो पोल हैं, ऐसा समझिए। मेरा काम है आपको आसान भाषा में साइकोलॉजी आपके दरवाजे तक लेके आना। तो दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आज दिल्ली का टेम्परेचर 42 डिग्री प्लस है, बढ़ रहा है। अब क्या है, सबने गर्मी के हिसाब से अपनी तैयारी कर रखी है, और सडनली बर्फ गिरने लग जाए, ऊपर वाला हो जाए नाराज और बर्फ गिरने लग जाए, तो यकीन मानिए पूरी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाएगी। दिल्ली का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, कोई प्रिपेयर ही नहीं है कोई उसके लिए। हो सकता है कुछ जाने चली जाए, हो सकता है बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाए, समथिंग विल हैपन। तो क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दो अलग अलग, नॉर्थ पोल का बिहेवियर और साउथ पोल का बिहेवियर अलग अलग है पृथ्वी का? तो जब साउथ पोल पे सनरेज पड़ती है तो ठंड हो जाती है, हम सर्दी के कपड़े पहन लेते हैं, अदरवाइज गर्मी है तो गर्मी की चीजें लाइट क्लोथ हम पहनना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर ये रिवर्स हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे ही हमारा ह्यूमन बिहेवियर है कि जिस सिचुएशन में है हमें वैसा ही बिहेव करना चाहिए, और सडनली वो 180 डिग्री मतलब रिवर्स बिहेव करने लग जाता है, तो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। बिल्कुल समझ आ गया होगा, बर्फ पड़ना और आग, ये आग बरसना जो 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, समझ आ गया होगा। और ये जो है बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये अगेन डिप्रेशन का छोटा वाइवन है। अगर इसको इग्नोर करोगे तो ये पहली सीढ़ी है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन हो जाएगा, एंग्जाइटी हो सकती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कहते हैं ना कि हरियाणा में कहावत है कि मर्ज को और दर्द को पैदा होते ही खत्म कर दो, तो सबसे बढ़िया। तो आप उसको पैदा होते ही खत्म कर देंगे तो बहुत अच्छा है। तो मैं 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगेन उन पॉइंट से समझिए, इंफॉर्मेशन लीजिए और टॉक विद सम प्रोफेशनल। तो पहला पॉइंट, हाई मूड स्विंग। मूड स्विंग क्या होता है, ये एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मूड स्विंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है जो आजकल बच्चों में पड़ रहा है। इंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है, सडन इंपैक्ट होता है बिहेवियर पे, और छोटी छोटी चीजों पे बच्चा या तो ओवर खुश हो जाता है और या बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। आसान भाषा में समझाने के लिए, आपने जैसे बच्चे का पेपर हुआ, पेपर अच्छा हो गया, उसने सारी बुक्स फेंक देनी। साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको मैनिंग बिहेवियर कहते हैं, बट उसपे साइकोलॉजिकल वर्ड्स थोड़े टफ हो जाते हैं, तो उनपे मत जाइए। आप समझिए उसने 4 दिन पढ़ना नहीं, अब अगले पेपर टेस्ट का क्या होगा, आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। या एक टेस्ट खराब हो गया, अब उसने रो रो के ना सबका जीना आराम कर देना, थोड़ी देर बाद माँ बाप ने कहना यार तू पढ़ी मत, छोड़ दे पढ़ाई, हम उसी में खुश हैं पुत्र, चिंता ना कर। तो अगर वो ऐसा बिहेव कर रहा है चीजों को फेस करने की बजाय, तो वो हाईली कंफ्यूज रहेगा, और इसको ही मूड स्विंग बोलते हैं। और डिप्रेसिव बिहेवियर करेगा कि वो कभी कभी ऐसी बातें करेगा, मैं यूजलेस हूं, मेरे बस का नहीं है कुछ, मैं कुछ कर नहीं कर सकता जिंदगी में, मैं पैदा ही क्यों हुआ, और कभी कभी ये सुसाइडल थॉट्स तक ले जाता है। तो इस तरह का बिहेवियर अगर वो करता है तो हाईली मूड स्विंग है। मूड स्विंग का अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं मूड स्विंग। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है रिस्की वर्क या माइनर एडिक्शन। माइनर एडिक्शन मतलब जिसको एडिक्शन होता है, मान लो किसी को विस्की पीने का एडिक्शन हो गया, वो विस्की पीता है, वो ज्यादा चिंता नहीं करता लोगों की, जिसे कहते हैं ना नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप लोग बात करते हो,
इसको शर्म नहीं आती बड़ों की, बड़ों की शर्म खत्म हो गई। लेकिन उसको एडिक्शन है तो एडिक्शन का एक अलग से इलाज होता है, वो अलग बात है। तो बच्चा क्या करता है इस वाले में, हाई रिस्क लेता है। हाई रिस्क मतलब बहुत ही छोटी उम्र में अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है बच्चे को, तो वो क्या, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को पैसा कमाना है। अब पैसा कमाना है, कोई पैसे की फैक्ट्री तो है नहीं कि मोदी जी ने कोई फैक्ट्री लगा दी आपके घर से, उसकी पाइपलाइन जा रही है, उसको छेद करके आपने नोट निकाल लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा तो नहीं है। तो क्या करेगा, वो गैम्बलिंग शुरू कर देगा, जुआ खेलना शुरू कर देगा ऑनलाइन। आजकल तो गवर्नमेंट और ऐड कर रही है, वो क्रिकेट में ये खेलो वो खेलो, वो सारा दिन उसी में लगा रहेगा और सोचेगा बस थोड़े दिन बाद मैं अमेरिका का सबसे धनवान आदमी होऊंगा, इंडिया का नहीं अमेरिका का धनवान होऊंगा। और फिर क्या होगा, पैसे किसके खराब हुए, वो गाढ़े पसीने की कमाई जो आपने कमाई पेरेंट्स ने, जो बेचारे मेहनत करके कमा रहे थे, फिनिश। और बच्चा क्या करेगा, शाम को माफी मांग लेगा, गलती होगी, सॉरी मम्मी अब नहीं करूंगा। अब आप करेगा चल अब ठीक हो गया। अगले दिन फिर उसको कुछ पैसे दिए खरीदने के लिए सब्जी, सब्जी वाले की सब्जी तो खरीदी नहीं उसने, वो 500 रुपए लगा दिए गेम पे, उसको उम्मीद है कि शाम तक 5000 हो जाएंगे, सब्जी तो कभी भी खरीद लूंगा। तो इस तरह के रिस्की बिहेवियर करने लगता है। गाड़ी ले दी, इतनी तेज चलाएगा कि कोशिश करेगा कि उसके अंदर कोई फ्लाइंग गियर हो और उड़ जाएगा। और अगर वो गाड़ी लग गई तो अगेन किसको प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को, बच्चे को तो प्रॉब्लम ही नहीं, उसको पता ही नहीं क्या करता हूं। और वो उसका ब्लेम किस पे देगा, या तो उस आदमी पे जो दूसरा गाड़ी चला रहा था, या आप पे, अरे आप तो ऐसे ही चलाते रहे, तो हो जाता है एक्सीडेंट। तो हाई रिस्क की बिहेवियर हो जाता है। रिस्क फैक्टर क्या है, हम कैलकुलेटेड लेते हैं। आज आप भी सेविंग करते हैं, आप हर एक चीज के ऊपर ऐसे को देख के यूज करते हैं, अपनी हेल्थ को भी देख के यूज करते हैं, वो हेल्थ के लिए भी ऐसा ही बिहेव करेगा, लेथार्जिक हो जाएगा, कोई टाइमिंग नहीं उठनेगा। तो जितना रिस्क ले सकता है वो लाइफ में वो रिस्क लेगा, और उससे जो जो प्रॉब्लम होंगी वो सारे सिम्टम आपको दिखने लगेंगे। तो अगर आपको लग रहा बच्चे में ये है तो डेफिनेटली आपको सीरियसली लेना चाहिए। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्पीकिंग स्पीड, जो बोलने का है ना वो एकदम चेंज हो जाएगा, बहुत तेजी से बोलेगा। तो बहुत तेजी से बोलेगा क्या, कुछ शब्द खा जाएगा, फटरिंग हो सकती है, तुतलाहट भी कर सकता है बच्चा। दूसरा, शब्द खा जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी बात। और अगर आपने बोल दिया गलती से, अरे भाई धीरे बोल, तो क्या बोलना चाह रहा है मुझे समझा नहीं, तो आपने आफत मोल ले लिया। वो रो रो के आपका ही नहीं पड़ोसियों का भी नींद खराब कर देगा, इतनी जल्दी रो पड़ेगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चा अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। और दूसरा, बच्चा आपकी बात के अंदर, आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात सुनेगा ही, मान लो आप पेरेंट्स आपस में, वो बीच में काट देगा, खुद कूद पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट करने लगेगा। और अगर आपने कुछ बोल दिया, भाई तेरे को अभी नहीं पता, हम बड़े हैं अभी कुछ पता है, तुम क्राई करने लगेगा। और अगर वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो समझ लीजिएगा बटन ऑन हो गया, इमीडिएटली टॉक टू द प्रोफेशनल। चलते हैं अगले पॉइंट पे, लीव द थिंग्स नॉट इन गुड कंसंट्रेशन, मतलब चीजों को छोड़ देना और कंसंट्रेशन तो बिल्कुल नहीं करना। चीजों को छोड़ देना मतलब अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन समझना और सडनली इंपल्सिव डिसीजन लेना। कैसे, उसने डिसाइड कर लिया आज मेरे को अब जिम जाना है, मेरे को अब मिस्टर इंडिया या मिस इंडिया बन के दिखाना है। अब उसने क्या किया, पेरेंट्स का अगेन से दुखती रख दबा दी, कभी मम्मी मान गई कभी पापा मान गए। अब वो ले गए जी, अब जिम वाले ने कहा जी फलाने फलाने 10-20 हजार जो भी लगेंगे वो लगेंगे, आपने दे दिए पैसे लो जी। अब वो एक दिन बड़े जोश से ड्रेस नहीं खरीद लाया जिम के लिए, 5-10 हजार के कपड़े आ गए। अब वो चला गया बच्चा, अब वो जिम गया, 2 दिन जाने के बाद उसने नई डिमांड कर दी, ये प्रोटीन वो प्रोटीन चाहिए, अब तुम्हें कुछ पता नहीं है, तभी तो मैं मिस इंडिया या मिस्टर इंडिया बनूंगा। अब आपने कहा चल यार ये भी ठीक, कुछ तो कर रहा है। अब वो सब कुछ लिया और एक हफ्ते के बाद उसने डिक्लेयर कर दिया मेरे को नहीं जाना, बेकार है जिम जाना, सॉरी मम्मी ये सामान खराब हो गया, तुम दे देना किसी को, दान कर देना। आपकी जो वो कपड़े हैं आप फंसाने की कोशिश करोगे, मैं ही पहन लेती हूँ या मैं पहन लेता हूँ, पेरेंट्स बेचारे लगे हुए परेशान है। तो ये मूड स्विंग का है।
और एक आप किसी के घर में जाइएगा, आप जाते भी होंगे अपने फ्रेंड्स सर्कल में पार्टी वार्टी में, अब तो कोविड कम हो गया है, तो आपने देखते होंगे सबके यहाँ एक गिटार रखा होता है, 90% लोगों के घर में मिले, और पूछो कि कोई बजाता है, कोई नहीं बजाता, बस रखा है। तो ऐसी चीजें खरीद लेगा, गिटार खरीद लिया, स्विमिंग के पैसे दे दिए और बाद में मना कर देगा, तो आप लगे हुए, अरे भाई ये क्या मुसीबत है, हमारा सारा खर्चा हो गया है, ठीक है। और जब वो ऐसा सब करेगा तो उसमें एक गिल्ट फैक्टर खड़ा हो जाता है, जिससे उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है, तो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, जो भी उसको काम है फोकस है उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और किताब खुली हुई है, एक ही पेज खुला है किताब का, और वो मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने ले रहा है। शाम को आपने गलती से पूछ लिया, भाई ये चैप्टर हो गया, यानी बेकार है, चैप्टर समझ ही नहीं आता, चैप्टर की गलती होगी नहीं तो टीचर की गलती। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इरिटेशनल बिहेवियर, बच्चा बहुत इरिटेट रहेगा, मतलब आप नॉर्मल भी बात कर रहे हो ना वो ऐसे चिल्ला के जवाब देगा, वैसे आपको खाने को पड़ रहा है, क्योंकि यार आराम से भी बात कर सकते, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, तुम्हें तो ऐसे लगता है, मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ, मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ, और उसी बात को वो रिपीट करता रहेगा, और फिर जब वो अजीब सी घबराहट में रहेगा छोटी छोटी चीजों पे, अरे टीचर ने कल बोला था वो चीज नहीं लाया, वैसा नहीं किया, वो ड्रेस ऐसी थी, और उससे उसकी घबराहट बढ़ जाएगी, और जितनी घबराहट बढ़ेगी उतना पेरेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और जितना पेरेंट पे प्रेशर बढ़ जाएगा उतना घर का माहौल खराब हो जाएगा, और उसकी एपिटाइट भी चेंज हो सकती है, खाना छोड़ देगा, जंक फूड खाने लगेगा, और जब इस तरह का बिहेवियर होगा फिर कहेगा आप तो कुछ करते ही नहीं, आपको दिखता नहीं मेरा वेट बढ़ रहा है, गलती किसकी है, माँ बाप की। और जब सुबह उठेगा तो एनर्जी सी लो फील होगी, पूरा शरीर दुख रहा होगा, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, मेरा मन नहीं है कोई काम करने का, शरीर में जैसे पूरी जान निकल गई, तो किसी ओझा पे तांत्रिक पे मत जाइए, उस काम के लिए प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, ठीक हो जाएगा। घबरा जाते हैं पेरेंट्स, अरे क्या हो गया, इसकी जान कहां चली, कहीं नहीं गई, वो ज्यादा जोर से ज्यादा कंजम्पशन हो गया, इस वजह से वो हो गया, नींद नहीं आएगी, रात को 4-4 बजे तक वो सोशल मीडिया पे है, एक्टिव रहेगा, बैठ के फेसबुक देख रहा है 4 बजे। तो जिस तरह इस तरह का जो बिहेवियर है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये पहला स्टेप है, और धीरे धीरे अगर ये बढ़ेगा एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाएगा, और फिर बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस पे काम करें, और कोई भी इसके बारे में कोई सवाल हो प्लीज पूछिएगा, विल हैप्पी टू रिवर्ट यू ऑन दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, नमस्कार।